तो दोस्तों वेलकम टू रैंकर 47। आज हम ये फिफ्थ वीडियो है तो हम बात करने वाले हैं हमारे कलेक्शन के बारे में। ये कलेक्शन वीडियो होगा वो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है तो हमने कलेक्शन के बारे में थोड़ा बात करने के लिए देख लिया है। कमेंट्स में भी कुछ लोग ने कमेंट किया है कि कलेक्शन वीडियो कब आएगी ऐसे, तो हम कलेक्शन वीडियो ही बना लेते हैं। तो पहले तो इसका ये पार्ट वन है, इसका और दो पार्ट बनेगा जिसमें इसके कैरेक्टर दिखाऊंगा और वॉल्ट में क्या क्या है वो सब भी दिखाऊंगा, इमोट्स और बहुत कुछ भी रह गया होगा वो सब दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी पहले M4A1 है, इसका जो स्क्रॉचिंग सैंड ये मैं हमेशा ही यूज़ कर लेता हूँ, पुराना वाला गन है, बहुत बढ़िया भी है। पहले तो यूज़ नहीं करता था, आजकल ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसके बहुत सारे स्किन है, टोटल 10 है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ वही वाला यूज करता हूँ। तो ये दूसरा वाला, ये पता नहीं ये सारे कब मिले थे मुझे। ये भी ऐसा एक, ये वाला फ्री में मिल गया था डायमंड रॉयल में। इसका भी ये सही है सब। ये वाला भी हमारे लिए एक नॉर्मल स्किन जैसा है। ये इसके बाद वाले जो सारे स्किन है वो सिर्फ नॉर्मल वाले हैं, बस इसके आगे जो आइस ब्लू है वो वाला थोड़ा शायद काम का है। इस गन की एक खासियत है, मतलब कभी कभी चलता भी है कभी कभी नहीं चलता। हेड बहुत अच्छे से लगता है जब M4A1 3 पकड़ते हैं आप लोग। तो ये वाला भी M4A1 मुझे हर एक स्किन इसका फ्री में ही मिला था, इसलिए ज़्यादा कुछ हमदर्दी भी नहीं है। तो ये हमारा फेवरेट वाला गन है, तो AK-47 ड्रैगन है इसका फेवरेट स्किन। इसमें हमने थोड़ा इन्वेस्ट किया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही इन्वेस्ट किया था, जल्दी ही मिल गया था हमें जब हम थोड़े थोड़े नुबड़े थे। ये वाली ड्राको, ब्लू फ्लेम ड्राको रेवोल्यूशन स्किन है, लेवल 4 पे है अभी तो, लेकिन चलेगा। लेवल 4 से ही इसका असली एट्रीब्यूट जो है वो बाहर आ जाता है। बढ़िया स्किन है लेकिन डैमेज थोड़ा कम देती है। ये वाली तो टेम्पोरेरी स्किन है तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। ये 37 डेज के लिए है ये वाला स्किन कब मिला था मुझे याद भी नहीं है। इसके बाद वैलेंटाइंस डे, ये मिल भी गया था फ्री में, लेकिन इसका यूज़ मैं कभी करता नहीं हूँ क्योंकि वो चलता भी नहीं है। ये वाला इनक्यूबेटर में आया था तो यूनिकॉर्न्स रेज वो चलाता भी नहीं हूँ मैं ज़्यादा, ये बस फ्री में उठा लिया था। ये भी टेम्पोरेरी 7 डेज के लिए है, ये परमानेंट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। इसके बाद ये कौन सा वाला है ये पता नहीं, आधे स्किन तो कहाँ से मिल जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये शायद किसी एक क्लासकोर के मिले थे इसमें। ये कोबरा, लेजेंडरी कोबरा, ये कब मिला था, ये जय वाले इवेंट में मिला था, जस्टिस फाइटर जो एक है। ये भी बहुत पहला पुराना वाला स्किन है। 17 स्किन्स में से मैं सिर्फ दो ही यूज़ करता हूँ आजकल। ये हायाटो के टाइम पे मिला था, जब नया नया हायाटो आया था उसके टाइम पे मिला था ये वाला। ये क्या है, इम्पीरियल रूम, ये किसी एक ऐसे ही सीज़न में मिला था याद नहीं है ठीक से। फिर डिजिटल इन्वेशन है, इसको बहुत यूज़ किया है मैंने पहले जब ड्रैगन एक भी नहीं था, बम्बल भी ये सिर्फ था, इसको यूज़ नहीं किया हमने कभी। बम्बल भी वो ट्रांसफॉर्मर्स वाला डिजिटल कैमोफ्लेज टेम्पोरेरी है तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर M14 आ जाते हैं, ये वाला गन मैं ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ लेकिन ठीक ठाक है ये। इसके 4 स्किन है लेकिन कोई भी ज़्यादा काम में नहीं आते क्योंकि चलाने के लिए इसको हुनर की ज़रूरत है या क्या ज़रूरत है मुझे पता नहीं, तो इसको मैं ज़रा भी नहीं भाव देता। ये वाला पहले इंटरलैंड का स्किन थोड़ा मैं चला लेता था, तो अब मेन स्कार में आ जाते हैं। स्कार, ये क्यूपिड स्कार मुझे फ्री में मिल गया था। क्यूपिड स्कार और बीस्ट स्कार की एक स्टोरी है, मतलब मैं बीस्ट स्कार के लिए इनक्यूबेटर में डायमंड खर्च कर रहा था, उसके समय मुझे क्यूपिड स्कार फ्री में मिल गई क्रेट्स में, तो दोनों मुझे एक साथ मिल गई। तो अब मैं किसको यूज़ करूँ, मैं तब थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया था तो मैं बीस्ट स्कार यूज़ करने लगा था। उसके कुछ महीनों बाद ये वाली स्कार आ गए मेगालोडन, इसको बहुत यूज़ किया है, ये बहुत यूज़फुल स्कार थी। इसको लेवल 4 पे अभी भी है, नया नया जब लिया था तभी लेवल 4 कर दिया था क्योंकि तभी से ही काम में आ जाता है लेवल 4 से ज़्यादा, बाकी लेवल करने से सिर्फ डायमंड वेस्ट होते हैं।
ये बाकी सारे नॉर्मल स्कार्स ज़्यादा चलाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि उसमें डैमेज कम कम देता है और हेडशॉट तो हमारा लगता नहीं है ज़्यादा। और ये बाकी सारी नॉर्मल स्किन से टोटल 9 है, सिर्फ 3 ही काम की है इसमें। ये सीज़न 22 में मिला था मैक्सिम वाला। इसकी एक्यूरेसी सिर्फ सिंगल है, इसकी डबल एक्यूरेसी है। रेट ऑफ फायर एक माइनस कर दी पिंग सार कटाक। ये बस पता नहीं क्या है वायलेट, ये वाली बहुत बढ़िया वाली स्किन है यार, सिर्फ पॉजिटिव है इसका रेट ऑफ फायर। रोज़ा पर ग्रोज़ा एक ऐसा गन है, मतलब जब पहला बुया रिपोर्ट आया 2018 या 19 में, तब मैं ग्रोज़ा मास्टर हो गया था। नॉर्मली ग्रोज़ा ही पकड़ता था, लेकिन पता नहीं कब हो गया, अब जो होता है तो होता है। ये विंटरलैंड वाली स्किन बहुत फेमस है, इसको मैं बहुत पहले से ही चला था। ये वाली ऑपरेशन सेंग क्या है, ओपरानो सेंग वाला स्किन, ये वाला फ्री में मिल गया था। इसका इसको मैं ज़्यादा भाव भी नहीं देता, इसका शॉट इसका गोली ही लगता भी नहीं है। FFC ये मिला था टूर्नामेंट के वक्त फ्री में, ज़्यादातर स्किन्स फ्री में ही मिले हैं, ग्रोज़ा के भी फ्री में ही मिले हैं। तो ग्रोज़ा ज़्यादा अभी भी मैं ग्रोज़ा नहीं चलाता, सिर्फ एक ही चलाता हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया तो M4A1 3 या SCAR 3 भी चला लेता हूँ, लेकिन AK वो तो ऑलरेडी बर्जर्क मोड में आता है तो उसको ही चलाता हूँ मैं। ये वाले एक ब्लू फ्लेम है, कौन सी स्किन है मुझे भी नहीं पता, ये कब मिली थी भी मुझे याद नहीं, इसको चलाया भी नहीं है कभी हमने। डैमेज सिंगल है, रेंज माइनस में एक है। तो अब फार्मास की तरफ आ जाते हैं। आइस ब्लू, इसको चलाया तो नहीं है लेकिन हमेशा यही वाली स्किन इक्विप करके रहते हैं। ये गोल्डन फेमस तो फ्री में मिल गया था, फेमस में बिल्कुल भी नहीं चला था। इसका स्किन क्या क्या है मुझे याद भी नहीं है ठीक से। ये गन जो है ये मतलब मेरे लिए पूरा बेकार है, मुझे इसका 3 फेमस 3 भी मिल गया तो भी मैं इसको नहीं पकड़ता, क्योंकि ये पूरा काम का ही नहीं है। जब बंदा साइड से जा रहा होता है या आगे पीछे होगा तो शायद थोड़ा काम में आ सकता है, लेकिन यूजुअली वो काम में नहीं आता। इसका भी इम्पेरियल रूम का स्किन है, पता नहीं क्रेट्स में भी मिला होगा। फेमस के ऊपर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है मेरा, मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरे अगर कोई गेम खेलूँगे तो उसमें फेमस शायद काम होगा। तो XM8 इसका ये इनक्यूबेटर वाला स्किन बहुत बढ़िया है। रेट ऑफ फायर सिंगल है, रेंज डबल है, हेड इसे थोड़ा मिड रेंज में बहुत बढ़िया लगता है। ये बहुत यूज़ किया है एक टाइम पे मैंने। इसके बाद आ जाते हैं हमारे डेस्टिनी गार्डियन पे एवोल्यूशन स्किन। ये जब नया नया आया था तो उठा लिया था, लेकिन इसको अपग्रेड कर नहीं किया मैंने, Level 1 पे ही है, 2 भी नहीं किया। और ये सारे अब फ्री स्किन है, ये टेम्पोरारी वाला, इसका कुछ काम नहीं है, ये बस है। हाँ तो ये वाला मिल गया था गोल्डन XM8 फ्री में। ये जो पनिशर है इसको बहुत यूज़ किया है हमने, इंजीनियर, ये भी फ्री में मिल गया था क्रेट्स में कैसे एक। उसके बाद है ये क्या है, टेरर, वो सर डेडली बैट वाला है, ये वाला ये चलाता नहीं हूँ। हमारे क्लासिक XM8। उसके बाद AN94 पहले बहुत बढ़िया चलता था यार ये, इसका वाला प्लान बर्मुडा थोड़ा अभी शायद अच्छा चलेगा, लेकिन पहले यही वाला स्किन चला था स्पाइक स्पाइन वायलेट वाला, बहुत बढ़िया चलता था यार ये। पता नहीं गरीना क्या करके ये गांजा फूक के क्या कर रही है, छोड़ो कोई बात नहीं। ये बहुत लंबी थोड़ी वीडियो होने वाली है तो सब्र करके देख लो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन वो मीठा मेरे लिए होगा, सॉरी गाइस, लेकिन वो तो अब आगे ही देख लेते हैं। तो प्लाज्मा, इसको मैं फेमस से ज़्यादा भाव देता हूँ। ये प्लाज्मा का जब 3 आता है तो थोड़ा काम में आ सकता है बिना गोली के, ये हाईटेक वेपन है, इसमें बुलेट्स की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं आती है। इसकी 4 स्किन है जिसमें किसी में भी एट्रीब्यूट्स नहीं है, बस एक वो लाल वाली थोड़ी सुंदर दिख रही थी इसलिए वो सुंदर वाली ही ले लिया मैं। इस गन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता गेम में, कोई पकड़ता भी नहीं। ओग, ये वाली बहुत लेजेंडरी स्किन है यार, ये गन ही लेजेंडरी है। पहले जब नया नया आया था तो चलाते नहीं थे हम कोई भी, ये 2 टेम्पोररी स्किन भी है इसके, लेकिन आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है यार। रेट ऑफ फायर इसका बहुत ज़्यादा है, बंदे सह नहीं पाते, बहुत ख़तरनाक गन है यार।
पहले शायद ऐसा न था या नहीं था, मुझे पता नहीं आजकल, लेकिन बहुत बढ़िया चलता है। द लेजेंडरी ऑफ, इसकी कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद किंग फिशर है, किंग फिशर पाराफेल और G36। इसका स्किन ही नहीं है मेरे पास परमानेंट, इसकी एक 15 दिन की एक स्किन थी। इसके बाद SKS, इसका स्किन इक्विप नहीं किया है, शायद टेम्पोररी था कभी। फ्री स्किन स्पॉट, इसका सिर्फ फ्री स्किन ही है, इसके इसके ऊपर 0 इन्वेस्टमेंट है मेरा। तो इसका डिजिटल वाला बहुत यूज़ किया है हमने, ये दोस्त बुलाए। टोटल 6 स्किन है, एक भी मैं मतलब SKS को यूज़ नहीं करता, मार्क्समैन राइफ़ल में यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसका जो गोली एक्यूरेसी बहुत कम है। इसका गोली जब बंदा चल चल के मतलब साइड से जा रहा होगा तो लगता नहीं है गोली, सिर्फ स्टील पोजीशन में या ऐसे ही कुछ पोजीशन में लगता है, कभी कभी तो वो बहुत कम डैमेज देता है ये। इसके बाद SPD में आ जाते हैं, ड्रैगन ऑफ SPD, इसका 2 स्किन है। ये वाला थोड़ा काम का लगता है ये वाला स्किन, लेकिन ये दूसरा वाला स्किन काम का ज़्यादा नहीं है। स्पोर्ट्समैन, इसका इसका मतलब कुछ काम ही नहीं है आप बोल सकते हैं। फिर रूट पिकर पे आ जाते हैं, ये गन भी ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो एक्यूरेसी बहुत कम है यार। एक टेम्पोररी स्किन भी है, थोड़ा ये वाला थोड़ा बढ़िया लग रहा है मेरे परमानेंट स्किन से। 0 एट्रीब्यूट वाला एक स्किन है, फिर SCA-80, इसके 2 स्किन से परमानेंट। ये तो शायद अभी मिला था, ये नया वाला इक्विप कर लिया हमने। ये क्या है ये नया वाला, फिर M249। इस गन का मैं एक बार बहुत बड़ा फ़ैन था, इसके 4 स्किन से हमने वो आजकल तो यही वाला स्किन चलाता हूँ शायद कभी कभी। 0 एट्रीब्यूट के 2 स्किन से मेरे पास, पहला ये एंडलेस और ये फैबल दोनों। इसके बाद हम ये जो 4th स्किन है, ये क्लाउन फेस वाला बहुत यूज़ किया है हमने पहले, एक कैसे भी पहले यूज़ करते थे हम ये वाला, इससे बहुत किल्स किए हैं एक बार। इसके बाद आते हैं M60 पे, आजकल ये गन ज़्यादा काम में आती नहीं है। इसका लिवली बीस्ट वाला एक स्किन बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ही वाला हम यूज़ करते हैं, डैमेज ज़्यादा नहीं देता ये वाला। टोटल 5 स्किन है, 2 ही हम इसके यूज़ करते हैं। ये जो 5 स्किन है सारी हमें फ्री में ही मिली थी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी इसमें 0 ही है। ये जो 6 स्किन से लिवली बीस्ट हमने बहुत यूज़ किया था पहले, इसमें बहुत सारे किल्स हुए थे हमारे। मेरे लिए ये वाला बहुत एक अच्छा वाला स्किन है। ये क्या स्टोर में से आर्मोर, इसमें हमारा क्या काम है। M60 के गन स्किन तो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूँगा। फिर कॉर्ड में, इसका ये गन ही पूरा बेकार, इसका गोली नहीं लगता, इसको बैट खेलने पर शॉर्ट गन जैसा काम करता है लेकिन डैमेज नहीं देता, पूरा बेकार गन है मेरे लिए। फिर UMP, ये वाला बहुत बढ़िया स्किन है आजकल, इसमें थोड़ा शॉर्ट लगता है। पहले मैं यूज़ करता था वो पिंक वाला स्किन, ये एक टेम्पररी स्किन है, वो पिंक वाला स्किन जो म्यूज़िकल स्किन है वो वाला यूज़ करता था। ये वाले जो फ्री, ये इसके आधे स्किन्स मुझे फ्री में ही मिले हैं, आधे नहीं तो सारे ही फ्री में ही मिले हैं मुझे। इसका लिवली बीस्ट स्किन है, वो पहले यूज़ करता था, लेकिन आजकल इसके जो लिवली बीस्ट में ज़्यादा गोलियाँ लगती नहीं है बंदों को। ये केप ऑफ स्टारडम का थोड़ा कभी कभी यूज़ कर लेता था मैं, लेकिन पहले इस अपडेट से पहले मैं इसके लिवली बीस्ट वाले स्किन को यूज़ करता था, बहुत काम में आता था। तो रेट ऑफ फायर डबल था इसलिए बहुत काम में आता था। ये एक बहुत बढ़िया गन है, आज भी बहुत सारे बंदे इसको यूज़ करते हैं। और ये MP5, इसको बहुत पहले बहुत बढ़िया था यार, ये खाली में भी बहुत बढ़िया चलता था। क्रोनो वाला स्किन सबसे बेस्ट है, सारे ही स्किन इसके फ्री में मिले हैं, टोटल 6 स्किन्स में 6 ही फ्री में मिले हैं, क्रोनो वाला सबसे बढ़िया वाला है मेरे लिए। इसके बाद गोल्डन, ये वाला क्लैश स्क्वाड के किसी एक गेम में मिला, फिर से दोस्त बुला रहे हैं यार, अब क्या ही कर सकते हैं। ये वाला बिना ट्रिब्यूट वाला स्किन है एक, ये वाला थोड़ा नॉर्मल स्किन है, एवरेज वाला पिंक डेविल वाला। तो इसकी एक्यूरेसी डबल है लेकिन डैमेज ज़्यादा नहीं है इसका। इंपीरियल रोम, ये भी पता नहीं कहाँ से मिल गया था फ्री में, ये वाला स्किन हर गन में शायद है।
ये बम्बल भी, इसको भी हमने एक टाइम पे यूज़ किया था बहुत ज़्यादा, क्लासिक MP5, साइबर बाउंटी हंटर क्रोनो वाला, VSS। VSS का जब मतलब एक मशीन में लग के आता था, 1, 2, 3 जब नहीं था, VSS 1, VSS 2, तब VSS काम में आता था। इसमें 8x लगता है शायद, MP40 दी गोट। यही वाली स्किन बहुत, इसकी भी एक स्टोरी है, येलो पोकर और ग्रीन पोकर में। जब MP40 पहली बार आई थी पोकर में, तो हम तब इन्वेस्टमेंट किसी भी गेम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, लेकिन ग्रीन वाली जब दूसरी बार आई, तो हमने उठाने की कोशिश की येलो वाली, लेकिन हमारे पास ब्लूप्रिंट तो आ गए थे लेकिन स्टोन नहीं हुए थे। करीना पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा सब कभी कभी, तो हमने तब ग्रीन वाला उठा लिया था। उसके बाद थर्ड बार जब आया, सुबह सुबह हमने थोड़ा गेम ओपन करके बस चेक कर लिया क्या है क्या नहीं है। ब्लूप्रिंट हमारे पास एक्स्ट्रा था तब तक, और जो स्टोन्स भी कलेक्ट हो चुके थे, तो हमने येलो वाला भी उठा लिया, तो हमारा दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, आखिर में हमारी जीत हमारी ही हुई है, तो गरीना हमें माफ़ कर दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन MP40 में इन्वेस्टमेंट हमने थोड़ा किया है इन दोनों स्किन्स पर, सिर्फ इन्हीं तीनों स्किन्स पर किया है, पहले तीन स्किन्स पर सिर्फ खरीदने में किया है। अपग्रेड तो अपने आप ही हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थोड़ा काम में आ जाएगा शायद, ग्रीन और येलो दोनों का। इसको थंबनेल पे दिल लगा लेंगे हम। इन दोनों की स्टोरी एक मतलब अलग स्टोरी है यार। इसके बाद कोबरा, इसका भी लेवल 4 है, लेवल 4 ही अच्छा वाला लेवल है, इसलिए हम इसे हर एवोल्यूशन स्किन का लेवल 4 पे है अभी। अभी तो इन्वेस्टमेंट हमारा 0 है गेम पे, 0 इन्वेस्टमेंट है, 1 साल से हम गेम पे पैसा लगा ही नहीं रहे हैं। इसके बाद ये वाली स्किन जो है थोड़ा बेकार लगती है हमें कभी कभी। इसका मैगजीन डबल है लेकिन रेट ऑफ फायर सिंगल है, ये काम में नहीं आती ज़्यादा। ये लाइटनिंग स्ट्राइक सबसे बेकार वाला गन यही है मेरे पास, इस स्किन। लाइटनिंग का मतलब स्पीड होना चाहिए, मतलब रेट ऑफ फायर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका रेट ऑफ फायर एट्रीब्यूट नहीं है, ना ही इसे गोली लगता भी है ना ही हेड लगता है। और ये एक लेजेंडरी स्किन बनी MP40, ये हमें फ्री में मिल गई थी, बस 3 क्रेट में मिल गई थी यार, हमें आशा भी नहीं थी ना ही तब ये इतनी पॉपुलर थी, बस मिल गई थी हमें। आजकल ये थोड़ा पॉपुलर था, बीच बीच में थोड़ा कभी कभी पॉपुलर हो जाता है, आजकल तो नहीं है शायद। इसके बाद न्यू ईयर बनी MP40 हम आजकल भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अब आ जाते हैं न्यू ईयर पे। न्यू ईयर मतलब न्यू ईयर MP40, ज़्यादा मत समझ लेना। न्यू ईयर MP40 में ये पहले AK-47 के साथ नया नया मतलब बहुत पहले यूज़ करते थे, 2 साल पहले, ये फ्री में ही मिल गया था। ये वाली स्किन भी फ्री में ही मिल गई थी हमें, ये पता नहीं कहाँ से आई, क्या है ये, पिछले सीजन में मिली थी शायद। उसके बाद विंटरलैंड से भी हमें फ्री में मिल गई थी, बस 3 ही क्रेट में, या कुछ नहीं क्रेट में नहीं, ये कुछ एक मिशन करके मिल गई थी, ये 5 मिशन से डेली करने थे, उसमें ही मिल गई थी हमें फ्री में। MP40 की बस फर्स्ट 3 स्किन ही मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उसके बाद वाली सारी फ्री में ही मिल गई थी। लेजेंड स्किन्स बहुत हैं हमारे पास MP40, लेकिन आजकल तो MP40 चलता भी नहीं है, ना ही हम चलाते हैं, बहुत पहले ही छोड़ दिया हमने MP40 चलाना। उसके बाद मतलब मेरे और मेरे दोस्त ने, उसकी भी आईडी का एक कलेक्शन वीडियो दूंगा मैं, शायद कभी हो सकेगा तो। फिर P90 पे आ जाते हैं, इसकी लेजेंडरी स्किन एक है इंक्यूबेटर की ग्रीन वाली, लेकिन ये मिडनाइट माफिया, ये मतलब चलेगी। P90 आजकल मैं बिल्कुल नहीं चलाता यार, पहले जब कालाहारी में आप क्लास स्क्वाड होता था तभी मैं थोड़ा थोड़ा ये चला लेता था, बहुत बढ़िया चलता था तब। इसका ग्रीन वाला स्किन तब मैं इक्विप कर ले किया था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए अब इसका बस एक वीडियो ही बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। आजकल बिल्कुल नहीं चलती यार ये गन, या सिर्फ मेरी नहीं चलती, पता नहीं क्या हो रहा। सारी सिर्फ इसकी ग्रीन स्किन, इसका जो इस पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया था हमने, ग्रीन वाली जो स्किन है इसकी इंक्यूबेटर की, वो भी हमें फ्री में मिल गई थी, मतलब 5 इनक्यूबेटर के जो थे भाउचर, उसमें हमने स्पिन कर लिया तो एक ब्लूप्रिंट उड़ गया, और स्टोन तो वैसे ही होते हैं, तो उसको ऐसे ही आसानी से उठा लिया हमने, ज़्यादा मेहनत भी नहीं की उसके लिए हमने।
क्लासिक P90। उसके बाद आते हैं CG-15। ये गन कहाँ से आई, कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता। थोड़ी थोड़ी काम में आ सकती थी। थॉमसन गरीना ने इसको बहुत भाव दिया है। इसका ये वाला स्किन टाइम ट्रैवलर्स का है, इसको कभी उठाया था। ये वाला तो इससे भी अच्छा लग रहा है शायद। इसको उठा लेते हैं, इक्विप कर लेते हैं इसको। हो गया, ये वाले चलाएंगे। उसके बाद देखेंगे अच्छी चलती है या नहीं। अच्छी तो लग रही है। उसके बाद 0 एट्रीब्यूट वाला स्किन, ये फ्री में ही मिली थी। इसके भी स्किन हमने ज़्यादातर फ्री में लिए थे। ये टेम्पोररी स्किन है एक मामबागना लकी कोई। ये वाला क्या है, हिंदी में लिखा है क्या? छोड़ो, इसको भी हमारा कुछ काम नहीं है। उसके बाद क्लासिक थॉमसन विक्टर, ये वाली अभी कुछ टाइम पहले आई थी। इसको भी हमने उस भाउचर के सहारे ब्लूप्रिंट खरीद के आसानी से ले लिया था, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगी थी। इसके बाद दूसरी वाली जो वेक्टर है हमारी, वेक्टर हम ज़्यादा चलाते नहीं हैं। वेक्टर जो है जब नया नया आया था तो उसका दहशत बहुत ज़्यादा था। ये नया वाला है, इसका स्किन जो है इस पर शायद इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इसके बंडल पे किया था। ये तो बस ऐसे ही निकल आया था बीच में और परमानेंट भी निकल आया। इसके बाद मैक 10 आजकल बहुत ज़्यादा काम में आता है। ये देख लो, इतना मोटा वाला साइलेंसर लगा है, इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। ये UGI की तरह चलता है, लेकिन काम में ज़्यादा आता है UGI से। उसके बाद बाइजन, ये एक गोट है मेरे लिए, तो ये भगवान की तरह है। MP40 से ज़्यादा मैं इसको ही चलाता हूँ। बहुत बढ़िया गन है यार ये मतलब क्या ही बताऊँ इसकी तारीफ में कुछ बोल ही नहीं सकता यार। बहुत बढ़िया वाला गन है ये। इसकी एक ही स्किन है, एक्यूरेसी डबल और आर्मर पेनिट्रेशन सिंगल और रिलोड स्पीड 1- में चल रही है। रात पेट्रोल, अगर आपके पास ये स्किन है तो कमेंट भी कर लीजिए हमें। इसके बाद ये वाले जो है, इसके बाद गोट M10 पे आ जाते हैं। ये ग्रेटेस्ट है आजकल तो, सब M10 3 ही चलाते हैं। M10 1 2 3 जब से आया है ये मतलब बहुत बढ़िया गन है यार। मैं भी इसको ही प्रीफर करता हूँ AK के साथ, एक ड्रैगन AK और ड्राको M10 14। इसके बाद इसका एक और स्किन है एपोकैलिप्टिक ग्रीन और डार्क। मैं यही वाली स्किन यूज़ करता था पहले, ग्रीन वाली। जब से इसके बाद जब से आया है ये एवोल्यूशन स्किन, वही यूज़ कर रहा था। फिर विंटरलैंड्स, ये वाला इसके सिर्फ 5 गोली देता है, लेकिन ये फ्री में मिल गई थी और जब मिली थी तो बहुत काम में आया था मेरे, तभी से मैं M10 यूज़ करने लगा था। यही मेरी फर्स्ट स्किन है M10 की, मतलब चलाने के काम में जब आती थी। इसके साथ एक और स्टोरी भी है तो वो अब हम क्या ही बताएं। चलो अब छोड़। इसके बाद बाकी सारी तो फ्री में मिली थी स्किन। ये वाली स्किन भी, ये सारी स्किन फ्री में मिली थी। M10 में सिर्फ फर्स्ट 2 स्किन पे इन्वेस्टमेंट किया था। वो डार्क आपको प्लिक्टिक वाली भी हमें फ्री में ही मिल गई थी, मतलब फ्री में तो नहीं, हम रेड पे ट्राई कर रहे थे लेकिन ग्रीन तक ही निकल पाया, तो हमने ग्रीन ही उठा ली। और एक ब्लूप्रिंट बच गया था तो हमने डार्क भी उठा लिया। ये सारे फ्री के स्किन से ज़्यादा काम में नहीं आते। और फारोस रेज, जैसे ग्रोजा का भी हमारे पास एक फारोस विंग्स इसका रेज है, ये पता नहीं काम में आता है कि नहीं। इस पास 12 बिल्कुल मतलब एवरेज गन है, बहुत अच्छा वाला है और बहुत बुरा भी है कभी कभी। ये वाला गन पहले हम बिल्कुल नहीं चला था, आजकल क्लास स्क्वाड में थोड़ा थोड़ा चला लेता हूँ मैं। इसका स्कोप भी दिया है आजकल, पता नहीं क्यों दिया है स्कोप, कौन सा दूर मारने वाला है इससे। इसके तो पास भी शायद गोली लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं। इस पर तो हमारा 0 इन्वेस्टमेंट है, 0 आशा है, 0 सब 0 ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी चला लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स नहीं होते हैं हमारे पास कभी कभी। इसका कोई भी स्किन चला लेने से हमारे ओके है, हमारे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा ठीक ठाक गन है। ये ना मिले तो भी ठीक है, मिले तो भी ठीक है, ये ऐसा वाला गन है, मतलब बीच बीच का गन। इसके बाद M10, ये वाला असली वाला गोट है, मतलब इसको क्या ही बोले यार हम। ट्रॉपिकल M10 जब ये सेकेंड या थर्ड बार आई थी तभी मैंने उठाया था,
थोड़ी मुश्किल लगी थी इसको उठाने में, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने इसी गन पे शायद किए हैं। शायद ये वाला गन स्किन रैंडमली उड़ गया था मेरा, लेकिन इस पे भी इन्वेस्टमेंट किया है मैंने थोड़ा। ट्रॉपिकल एक गोटेड स्किन है यार, इसका पहले डबल डैमेज वाला एट्रीब्यूट था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं हम तो। अभी ये काला वाला स्किन, इसका क्या करें। फिर विंटरलैंड्स पे आ जाते हैं। ये वाला स्किन जब नया नया आया था तो थोड़ा यूज़ कर लेते थे। इसका रेंज डबल है तो दूर के लिए थोड़ा हेड अच्छे से लग जाता था। ये रैपर अंडरवर्ल्ड, ये बहुत बढ़िया वाला स्किन है यार। रेट ऑफ फायर डबल और रिलोड स्पिल सिंगल है, फिर भी बहुत अच्छा है। डैमेज ज़्यादा नहीं दे सकता, हेड बहुत अच्छा लगता है इससे। इससे जितनी गोली मतलब आप 4 सेकंड में 3 गोली मार सकते हो। ये ऐसा वाला गन है। जब ये गन मतलब नया नया आया था तब बहुत अच्छा चलाता था यार मैं। उसके बाद थोड़ी इसके रेंज कम कर दिया गरीना ने, इसके बाद उसका डैमेज कम कर दिया, क्या क्या कम कर दिया पता नहीं, लेकिन आज भी बंदे इसको यूज़ करते हैं। मैं भी क्लास स्क्वाड में कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, या और रैंक में भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन बाइजन को मैं इससे ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे ही, मेरी मर्ज़ी छोड़ दीजिए अब लेकिन ये बहुत बढ़िया गन है, आज भी इसके बहुत फैंस हैं। तो MAG-7 ये एक अलग तरह की गन है, ये पता नहीं किस दुनिया से आई है। इसके आप 60 गोली भी रख लो ना, तो 2 बंदों को मारने में 60 गोली ही पूरा वेस्ट हो जाएगी। पहले मतलब नई नई जब आई थी, एक डिस्ट्रक्टिव वेपन थी, बंदे इसी को प्रीफर करते थे, मैं भी इसको ज़्यादा प्रीफर करता था, लेकिन आजकल तो ये बिल्कुल नहीं चल रही है। एक साथ 12 गोली निकलती है एक शॉट पे, फिर भी मतलब डैमेज बिल्कुल नहीं देती, 8, 9, 10 ऐसे डैमेज देती है आजकल। 3 स्किन से तीनों मतलब पे चलाता ही नहीं है उस गन को, बिल्कुल 0 प्रेफरेंस में देता हूँ इस गन को। फिर चार्ज बस्टर और ट्रोगन, ये दोनों गन क्यों हैं किस लिए है पता नहीं, ये बस है और थे नहीं थे तो ये बस है और रहेंगे। इसके बाद स्नाइपर, ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्नाइपर AWM है। कौन होगा जो AWM में नहीं चला था यार। इसके सिर्फ 4 स्किन्स है, लेकिन ये वाला जो है बुया स्किन, इसको हमने सबसे ज़्यादा चलाया है। इसका डैमेज डबल है, 159 तक डैमेज दे देता है ये। ये वाला ड्यूक सोलो थी, ये फ्री में मिल गया था हमें डायमंड रॉयल में, या वेपन रॉयल में मिल गया था इसको, हम लेकिन चलाते नहीं। इसके गोली जो है वो लगती नहीं है ठीक से, और रिलोड स्पीड थोड़ी माइनस है। ये जस्टिस फाइटर वाला मैं बहुत यूज़ किया हूँ, ये वो जो जे वाले इवेंट में आया था, फ्री में ही मिल गया था, थोड़े मिशंस करने थे शायद तभी मिल गया था, लेकिन ये बहुत काम का जो है, ये बहुत काम में आया था मेरा। पहले के ज़माने में ये स्नाइपर्स बहुत काम में आते थे, 2-2 स्नाइपर लेके मैं घूमता था, जहाँ देखा पहले ही मार देता था, 4 स्क्वाड्स के बीच में घुस के मारता था यार। लेकिन आजकल तो इसकी मूवमेंट स्पीड कम हो गई है, रिलोड करना पड़ता है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन 2 AWM में नहीं चलाता था, सिर्फ क्लास स्क्वाड में कस्टम्स में चला सकता था मैं, लेकिन रैंक में मैं AWM के साथ कोई दूसरा स्नाइपर प्रीफर करता था। लेकिन ये CAR-98 के कभी नहीं, इसको मैंने सिंगल भी नहीं पकड़ा, डबल भी नहीं पकड़ा, कभी नहीं पकड़ा। इसके शायद ही मेरे 1-2 किल हुए होंगे इस गन से रैंडमली। लेकिन इसका CAR-98 3 भी मैं आज भी मिल गई तो मैं नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि इसकी मतलब डैमेज बहुत कम देता है। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल गन है, जब देना होता तो दे देता है, नहीं देना होता नहीं देता है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो ये 190 या 300 तक भी डैमेज दे देता है, लेकिन जब फुद्दू गन है ज़्यादातर टाइम तो 60 या 80 के बीच में ही डैमेज देता है। कौन सा बंदा तब तक वेट कर सकता है यार, एक बंदा आपको आके पेल जाएगा जब तक ये डैमेज देगा। अब इसके लिए तो हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते तो। लेकिन मैं आजकल बहुत मैं देखा हूँ ये वाला गन बहुत बंदे पकड़ते हैं, लेकिन मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा बिल्कुल। इसका भी इम्पीरियल रोम वाला स्किन है, पता नहीं कहाँ से है, पैरोजाइज वाला भी है, ये ग्रोजा रैम्पटन का जो था वही वाला स्किन है ये लेकिन चलाता नहीं हूँ मैं कभी, इसका सिर्फ वो इक्विप करके रखा है, Spas-12 के जैसा है, बिल्कुल Spas-12 के जैसा यूज़ करता हूँ मैं इसको, मतलब कभी कभी समझे।
इरेमेटू, ये मतलब क्या ही बताऊँ इसको, उनके इसकी तारीफ में कुछ बोल ही नहीं सकता यार। ये जब नई नई आई थी तो उसको डबल एमेटू भी मैंने बहुत यूज़ किया है, डबल ए डब्ल्यू एम भी नहीं लेकिन डबल एमेटू भी बहुत यूज़ किया है मैंने। इसकी मतलब रेड वाली स्किन ही मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। एट्रीब्यूट में मूवमेंट स्पीड थोड़ा कम कर देता है तो इसको मैं यूज़ नहीं करता, सिर्फ मैं रेड वाली करता हूँ। जब डबल एम ए टू चलाता था वो क्या दिन थे यार, या फिर मैं ए डब्ल्यू एम और एम ए टू भी दोनों को चलाता था, इसे करके चलाता था, स्क्वाड ख़त्म हो जाती थी। तब मैंने बहुत सारे बंदों को अपना दोस्त बना लिया, आज भी उनके साथ मैं खेलता हूँ। इसके तब मेरे ग्लोरी डेज थे यार। इसके बाद M24 पे आ जाते हैं। ये गन आजकल थोड़ी, मैंने एक महीने पहले थोड़ी सी चलाने की कोशिश की, पहले पहले तो चल गई लेकिन अब ट्रीटमेंट गन ये मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, कहाँ गई कहाँ से आई, ये क्या है पता नहीं, ये आजकल मिलती है या नहीं कमेंट करो थोड़ा। पिस्तौल USP, इसके बिना गेम थोड़ी चलेगी। ये मतलब सबसे ज़्यादा गोट में बोल दूंगा इसको, इसके बिना गेम ही नहीं चलेगी। इसका काम ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके बिना गेम नहीं चल सकती यार, ये मेरा वादा है। डेजर्ट इसकी बस एक ही स्किन है हमारे पास, ज़्यादा काम में नहीं आती ये वाली स्किन, क्योंकि हम डेजर्ट ईगल पकड़ते ही नहीं हैं, ना ही हमारा वन शॉट लगता है, हमारे मोबाइल में इतना पावर नहीं है। गोल्डन G18 के दो स्किन है और ये एक फ्री में, हमेशा ही फ्री में ये मिलती रहती है, ये पता नहीं कहाँ से आती है। इसकी तीन स्किन से ये इलाइट पास में मिली थी, तीनों फ्री में, फ्री में तो नहीं, इलाइट पास फ्री में तो मिलता नहीं है। इसको ख़रीदा था लेकिन फ्री में ही कह सकते हैं हम लोग, लेकिन तीनों में एट्रीब्यूट्स नहीं है, इलाइट पास वाले स्किन्स में एट्रीब्यूट्स नहीं होते। ये गन बिल्कुल यूज़ नहीं करता मैं, पहले पहले शायद यूज़ करता था जब मतलब एंटी मटेरियल लॉन्चर ये वाले गन नहीं आए थे, सिर्फ पकड़ने के लिए M500, इसको भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ सही वाला गन है। आजकल डैमेज इसका बढ़ा दिया है, पहले डैमेज ज़्यादा नहीं देता था ये। इसके सिर्फ दो ही स्किन है, एक एट्रीब्यूट, दोनों ही एट्रीब्यूट वाले हैं। ओ भाई ये M1917, ये कुछ अलग दुनिया से आया है यार। ये डबल स्किन है लेकिन मतलब डबल गन है लेकिन फिर भी बहुत में काम आते हैं ये वाला। फिर USP2 गोटेड स्किन का अपग्रेड वर्जन, इससे भी ज़्यादा गोटेड है। उसके बाद UGI, इसका पता नहीं क्या है, ये कभी कभी लग जाता है कभी कभी नहीं लगता है। ट्रीटमेंट गन, अब फिर से कमेंट करो ये मिलता है कि नहीं मिलता है, पहले बहुत काम में आता था ये, बंदे इसको लेकर घूमते थे बहुत ज़्यादा। हैंड कैनन, इससे ये बहुत वाला बहुत बढ़िया वाला स्किन है यार, स्किन तो नहीं गन है, स्किन हमारे पास इसकी नहीं है। आइस गन, ये पहले काम में आती थी, आजकल तो आजकल दो ही ग्लू वाल निकल सकते हैं, पहले तीन निकलते थे इसमें से, पता नहीं क्या हुआ इसका, ये पता नहीं यार अभी क्या ही बोलें इसके बारे में, अच्छी वाली गन थी यार। इसके बाद पैन में आ जाते हैं, ये क्या है आइस वाला पैन, इसको ही मैं प्रीफर करता, ये इसमें कोई खाना पका रहा था क्या, ये क्या खाने वाला पैन है समझ के इसको, या इसके इसमें क्या इतनी ज़्यादा गोली लग गई। इसके बाद क्या ये है, ओ माय गॉड पैसा वाला पैन, ये कब मिला था, ये मोनीहेस्ट के बारे में उस टाइम पे मिला था शायद। इसके बाद आग वाला पैन, ये क्या सूरज से निकाला है क्या गरिमा वाला, ये क्या है, ओ माय गॉड यार, ये बुया वाला, ये थोड़ा अच्छा वाला पैन है लेकिन हम इसको, ओ माय गॉड दिल पिघल गया यार, बहुत क्यूट वाला पैन है यार ये, अब क्या ही कर सकते हैं, क्यूट तो है वो तो बोलना ही पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रीट फाइटर, सही पैन है यार ये, क्या हवा से पूरा उड़ के आया, ये टर्टल वाला पैन है, अर्थ शेकर साइबर क्रोनो वाला पैन, ये हंटिंग, ये भूत वाला पैन है, इसको हम नहीं लेंगे, खतरनाक चीज़ है। उसके बाद बुया वाला दूसरा एक पैन, स्कल जिसके सामने है। उसके बाद ये कौन सा जानवर की चमड़ी है, वो मछली, मछली है ये वाला। उसके बाद ये ईगल, ईगल वाली है एंड बस। उसके बाद ये कौन सी जानवर की चमड़ी, ये ड्रैगन है, ड्रैगन है ये वाला, जान नहीं पाई। ये सबसे बढ़िया वाला गोटेड ब्लेड, पारंग, पारंग
इसकी बहुत सारी स्किन, इसकी सारी स्किन फ्री में मिली है। मील में, मील और पिस्तल, इन दोनों में मैं जीरो इन्वेस्टमेंट किया। ये सारी स्किन फ्री में रिडीम किया था मैंने, और गोल्ड रॉयल में भी फ्री में मिल गई थी। ये वाली स्किन हमने रिडीम किया था क्रिप्टो कॉइन से, शायद याद नहीं ठीक से। इसके 13 स्किन्स हो पूरे हमारे पास, उसमें से सिर्फ 3 या 4 में जो अच्छे वाले दिखते हैं उसको ही ले लेता हूँ। उसके बाद बैट, बैट हमारा गिटार क्या कर रहा है बैट साइज़ में, ये गरीना क्या दे रहे है बैट के नाम पे। और ये वाला असली बैट है हमारे इंडियंस के लिए। उसके बाद तो ये सारी अजीबोगरीब चीज़ है, इससे मारोगे ना तो फट जाएगी। उसके बाद एक अंडा, अंडा ये अंडा क्या है, अंडा वाला बैट। और उसके बाद तो ओ माय गॉड, ये वाला। उसके बाद सारे नॉर्मल स्किन्स ही है, स्किन्स है कोबरा। ये वाला हाइकिंग बहुत बढ़िया है यार, क्या है ये, छोड़ो कोई बात नहीं। इसके बीट स्किन है, मैंने आज तक तो देखा नहीं था ठीक से, आज कलेक्शन वीडियो में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा देख लिया रैंडमली। इसके बाद काटाना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है काटाना। काटाना की जो मैक्सिमम स्किन है हमें टॉप अप में ही मिली थी, ये रेड वाली भी, ये ब्लू वाली भी टॉप अप में ही मिली थी। उसके बाद ये वाली फ्री में मिली थी एक इवेंट में। उसके बाद हम ये जो ये वाली ज़्यादा स्पेशल भी नहीं है हमारे लिए, ये वाली भी हमें टॉप अप में ही मिली थी, ये पता नहीं क्या है ये। इसके बाद हमारे जाते हैं केंडो का, इसकी बहुत यूज़ की है पहले, ये वाली टॉप अप में ही मिली थी लेकिन इसकी बहुत यूज़ की है हमने अब, मतलब एक ये भी हमारे लिए गोटेड स्किन की तरह है, मैं और मेरे दोस्त दोनों ने इसको यूज़ किया है। उसके बाद बाकी तीनों ज़्यादा लेजेंडरी स्किन्स तो नहीं है लेकिन ठीक, तीनों स्किन्स ही ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। इसके बाद साइथ, इसको इसके यूज़ से मैंने एक बार अभी कुछ ही टाइम पहले एक बंदे को मार दिया था गलती से, ये FF9। इसको मतलब इसे मारने में मज़ा बहुत आता है यार, रैंक में भी इसे, सोलो में मैंने भी बहुत बंदों को मार दिया है ग्रैंड मास्टर पे, सच में मार दिया है। उसके बाद फीस, इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था दोनों में ही, एक कोबरा वाला ये वाला, इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, इसके बंडल पे इन्वेस्टमेंट किया था, ये बीच में आ गया ये 1.5। उसके बाद ग्रेनेड, एक एक करके 30 ग्रेनेड है यार, ये इसकी सबसे ज़्यादा स्किन है मेरे पास। मुझे कमेंट में बताओ 30 में से कौन सी वाली स्किन यूज़ करूँ, एक स्किन आपको दिखा रहा हूँ कौन सी वाली यूज़ करूँ आपको बता दो सिर्फ। बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रेनेड है यार, मुझे भी पता नहीं था, कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट कर दो यार कौन सी वाली ग्रेनेड अच्छी होगी सबसे, आप कौन सा वाला यूज़ करते हो। ये एक दो तीन सारी ग्रेनेड, ग्रेनेड्स में भी हमने मास्टरी की है, जब कुक ग्रेनेड सिस्टम नया नया आया था तब हमने बहुत ग्रेनेड यूज़ कर दिए थे। एक बंदा मतलब खुद आके एनिमी साइड से हमें बोल रहा है भाई बहुत अच्छा ग्रेनेड यूज़ करते हैं यार, उसके बाद से मैंने ग्रेनेड यूज़ करना छोड़ा ही नहीं, आज भी ग्रेनेड से बहुत बंदों को मार देता हूँ। क्लास स्क्वाड में नहीं, मतलब क्लास स्क्वाड कस्टम में नहीं, क्लास स्क्वाड रैंक और रैंक में भी मार देता हूँ, ईजी है। तो देख लो यार बहुत सारी स्किन्स है इसमें, इसकी सारी स्किन्स फ्री में ही मिली थी, बस एक दो टॉप अप में मिल गई थी, टॉप अप रिवार्ड जो होता है क्या। और ये क्लासिक ग्रेनेड सबसे बेस्ट, इसको यूज़ कर लूँ क्या कमेंट में बता दो थोड़ा। स्मोक ग्रेनेड, ये रिवाइव देने में बहुत काम आएगी, स्मोक ग्रेनेड एक फेंक दोगे तो आपकी प्रिसाइज ऑन स्कोप हो जाएगी, मतलब एनिमी की हो जाएगी। उसके बाद ग्लूवाल की मतलब सारी टॉप अप वाली स्किन्स है मेरे पास, ग्लूवाल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, आधी टॉप अप वाली है आधी खरीदी हुई है और एक दो फ्री में है, ये वाली टॉप अप में मिली थी, मतलब 100 डायमंड में टॉप अप कर दिया और ये फ्री में मिल गई। ये वाला फ्री गन स्किन, ग्लूवाल स्किन, ये वाला भी फ्री है, इसका कुछ काम नहीं है, सबसे बेकार ग्लूवाल मैं बता दूंगा इसको पकड़ने में मज़ा आता है। ये वाली भी टॉप अप में मिली थी, ये वाली एक इवेंट में पैसा डायमंड वेस्ट कर दिया, ये वाली फ्री में मिल गई थी, ये वाली थोड़ी अच्छी है, इस ये वाली भी टॉप अप में ही मिली थी हमें। इसके बाद ये वाली भी टॉप अप में मिली थी 100 डायमंड में या 400 डायमंड में याद नहीं ठीक से, ये वाली भी टॉप अप में ही मिली थी हमें, सारी मतलब मैक्सिमम टॉप अप में मिली थी, ये वाली भी टॉप अप में ही मिली थी।
बुयाडे वाली, फिर गेट ऑफ ओब्लियन, ये थोड़ी पुरानी वाली, ये वाली हमें फ्री में मिली थी, ये वाली भी फ्री में मिली थी। तो मैंने बात बताई थी कि मैं बोलूँगा ब्लैक वाली स्किन में क्यों यूज़ करता हूँ, तो इसका भी ब्लैक वाला हम ले लेंगे, क्लासिक ब्लैक, ये सबसे पहली ग्लोबल स्किन है। तो ब्लैक वाले में होता ये है कि जब जो गेम का एनवायरनमेंट होता है वो ब्लैक को सबसे कम मतलब दिखाता है, तो जब आप ये ब्लैक वाला वॉल और ब्लैक वाला ड्रेस पहन के खेलोगे तो बंदे आपको सबसे कम देख पाएंगे। ये सही है कि नहीं है ये मुझे आप बताओ, और सही है तो ट्राई कर लो। वो मतलब अपने आप में ही एक लेजेंडरी गन है यार, पहले से ये पहले बहुत काम में आता था, M79 मैक, ये भी बहुत काम में आता था, आजकल डैमेज ज़्यादा नहीं देता लेकिन पहले बहुत अच्छे से काम में आता था। उसके बाद ये वाला गन, ये इसका लिए, इसके लिए एक स्पेसिफिक मोड है क्या, जंप करने वाला, ये आजकल बहुत काम में आता है, ग्लूवाल फोड़ के बंदों को मारने में बहुत काम में आता है। फिर कैटलिंग गन, इसका तो अलग से एक मोड। अब हम इसकी कहानी ख़त्म कर लेते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, हमारे कलेक्शन में बस इतना ही है, कलेक्शन मतलब इसमें गन स्किन्स के बारे में बस इतना ही है। अब तो वॉल्ट कैरेक्टर, इसमें बहुत सारे वाउचर्स, बहुत सारा अभी बाकी है, तो इसके पार्ट टू में हम बात करेंगे। पार्ट टू में तो बस एक ही चीज़ हो सकती है, लेकिन इसका पार्ट थ्री भी आएगा, तो हम पार्ट थ्री में भी इसके बारे में बात करेंगे। तो जय श्री राम गाइस, और नेक्स्ट भी वीडियो में मिलते हैं कुछ दिनों के बाद।